नाजरीन, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान की टीम की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले ओपनिंग बैटर फखर जमा का कहना है कि कामयाबी आपको एतमाद देती है। कोशिश होगी कि अगले दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतें। वर्ल्ड कप के 31वें मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का 205 रन का अदा बआसानी 33वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। इमाम की जगह टीम में शामिल किए जाने वाले फखर जमान ने शानदार 81 रन बनाए। उनकी इनिंग में 7 छक्के शामिल थे। वो प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद फखर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप में कामयाबी आपको एतमाद देती है। कोशिश होगी कि अगले दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीते। उन्होंने कहा है कि यहाँ बॉलर्स को एक्यूरेट बॉलिंग करना होती है। भारत की विकेट बैटर्स के लिए बहुत ही आसान है। इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप के मैचेस न खेलने पर बातचीत करते हुए फखर जमान ने कहा है कि मेरी इंजरी ज्यादा खतरनाक नहीं थी। इंजरी मैं भी खेल सकता था, लेकिन अच्छा किया, थोड़ा आराम किया। फखर जमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान भारत मैच का असर भी पड़ता है और कारकर्दगी पर भी फर्क पड़ता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कमबैक किया, उसी मैच से टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ जा रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे 5वीं पोजीशन पे आ गया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बकिया दो मैचेस जीतने के साथ दूसरी टीमों पे भी इन्हेसर करना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।